पहले मैं अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर रही हूँ, बिकॉज गाइस मॉइस्चराइज करना इज अ वेरी मस्ट थिंग अगर आप मेकअप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो आपको अप्लाई करना चाहिए वो है प्राइमर। आपका ड्राई स्किन है तो आप विद एलोवेरा जेल भी अपने फेस को प्राइम कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा व्हाइट आपको दिख रहा होगा, लेकिन आफ्टर ब्लेंडिंग दिस और सारे आई शेडो के कलर्स अप्लाई करने के बाद ये आपको इतना ज़्यादा व्हाइट नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कलर प्लेस में कर चुकी होगी। और तो ब्राइट कलर अगर आप लगा रहे हैं तो अंडर आई को बिल्कुल से कॉन्सील करें, नहीं तो आपका आई शेडो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे कर लूंगी। देखिए पिंक कलर का शेड भी अप्लाई किया है ताकि ये बहुत ज्यादा कंट्रास्ट लगे। ऑयली है, अगर आपका टी जोन ऑयली है जस्ट अप्लाई पाउडर इन टी जोन। इसके बिना कोई भी मेकअप कंप्लीट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है। ये लुक होते हैं, किसी भी आउटफिट के साथ जा सकते हैं। लाइक आप अगर साड़ी जीन्स या कुर्तीज पहनते हैं तब भी आपको ऐसे लुक क्रिएट करेंगे तो आपके साथ ये मेकअप लुक जरूर से शूट करेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो, और अगर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ आपके तक पहले पहुँच जाए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मैं आपके साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।